नमस्कार दोस्तों, YouTube News 24 के एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, IPL 2021 के 48वें मुकाबले में पंजाब के खिलाफ मैक्स बेल ने धुआंधार पारी खेल डाली और चौके छक्कों की मैदान पर बारिश कर डाली। आप भी मैक्स बेल को मान खिलाड़ी और आप भी मैक्स बेल के जबरा जबरदस्त फैन हो तो इस वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले तो आरसीबी के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर लिया। विराट कोहली के साथ देवदत्त पाडिकल बैटिंग करने के लिए आए तो विराट कोहली ने 24 गेंदों में 25 रन बनाए, मगर उसके बाद हेनरी केज ने इनको क्लीन बोल्ड कर दिया। अब पाडिकल का साथ देने के लिए मैदान पे डैनियल क्रिस्टियन आ चुके थे, मगर डैनियल क्रिस्टियन को सरफराज खान के हाथों हेनरी केज ने पहली गेंद पर कैच आउट करवा दिया। मगर उसके बाद दोस्तों देवदत्त पाडिकल और मैक्स बेल ने धुआंधार पारी खेली, मगर देवदत्त पाडिकल भी 38 गेंदों में 40 रन बना पाए और केएल राहुल के हाथों हेनरी केज ने इनको भी कैच आउट करवा दिया और ये तीसरा बड़ा झटका दे दिया आरसीबी की टीम को। मगर तब तक आरसीबी की टीम बहुत आगे पहुंच चुकी थी इस मैच में। जैसे ही देवदत्त पाडिकल आउट हुए तो मैक्स बेल के साथ एवी डिविलियर्स मैदान पे आ चुके थे। एवी डिविलियर्स ने 18 गेंदों में 23 रन की पारी खेली और आखिरी ओवर डालने के लिए आए पंजाब की ओर से मोहम्मद समी ने 20 ओवर की दूसरी गेंद पर सरफराज खान के हाथों मैक्स बेल को आउट करवा दिया। मैक्स बेल ने मात्र 33 गेंदों का सामना करते हुए 3 चौके और 4 गेंदों में 4 गगनचुम्बी छक्के की मदद से 57 रन की विस्फोटक पारी खेल डाली। मोहम्मद समी ने अगले गेंद पर शहबाज अहमद को आउट कर दिया और इस तरीके से आरसीबी की टीम ने 7 विकेट खोने के बाद 20 ओवर में 164 रन बनाए।